हेलो दोस्तों, वेलकम बैक पोकेवर्स के एक और नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इवेंट बता रहा हूँ जो इस गेम के अंदर आया है, लिमिटेड टाइम के लिए है। पर अगर आप वो इवेंट को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे SSR पोकेमॉन फ्री में मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से 6 या 8 SSR है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने अपना सर्वर बताया था लोगों को ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, हमको मैसेज किए, तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। पोकी YT रिप्लाई कर दिया, फिर अगला इंडियन VAR इसने भी मैसेज किया, इन भाई को भी हम रिप्लाई कर देंगे। और वह इवेंट का नया इवेंट है, मेरे को नहीं लगता है कि पोकेवर्स मैंने जब पहले खेला था तब कभी मैंने इस इवेंट के बारे में देखा हूँ इस गेम के अंदर, पर मेरे हिसाब से ये न्यू इवेंट है, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये गेम आया था तब और इस बार के अंदर बहुत सारे चेंजेस है, और मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि चेंजेस अच्छे हैं, चेंजेस बुरे भी हैं, अच्छे खासे बुरे इवेंट और चेंजेस आए भी हैं इस गेम के अंदर। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक बेस्ट इवेंट तो फिलहाल चालू है जो हर न्यू सर्वर के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे जो न्यू कार्निवल सर्वर करके जो इवेंट का नाम है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी, रिवॉर्ड्स मिलते हैं अच्छे खासे डेली साइन इन और नॉर्मल टास्क कंप्लीट करने पे, तो ये अच्छे से कर लेना। और यहाँ पे जो चौकन में ही अपने को जो फ्रेम कार्ड मिलता है भाई, उसको ले लेना याद से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। जो फर्स्ट नंबर मैंने बाय किया, यहाँ पे जो सेकंड नंबर बाय किया हूँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर परचेस कर लेना तुम लोग। ये इवेंट बता दिया और मैं बता देता हूँ बाकी इवेंट। और उसके अंदर से वर्स्ट इवेंट जिसका अपडेट बुरा हो चुका है और जिसका अपडेट अच्छा हो चुका है, वो दोनों भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो वर्स्ट इवेंट जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ पे ये वाला इवेंट है, ये गच्चा वाला इवेंट है। पर ये गच्चा वाला इवेंट के अंदर ये गधे लोग अपने से मांग रहे हैं रेनबो डायमंड, जो भाई न्यू सर्वे में रेनबो डायमंड कैसे आएगा, परचेस करके आएगा। परचेस कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। यहाँ पे स्पिन व्हील वाला इवेंट है, इसके अंदर 100 रेनबो डायमंड की एक टिकट मिली, मे बी एडवेंचर के अंदर से ये टिकट मिले, पर मेरे को नहीं लगता है 100 रेनबो डायमंड वाली टिकट अपने को एडवेंचर से लोग ऐसे ही दे देंगे फ्री में, ठीक है। तो ये अल्टीमेट गच्चा इवेंट भी इतना फालतू गया है, स्पेशल है पैसा वाला स्टेमिना और कुछ इवेंट नहीं है। फिर ये जो बेस्ट इवेंट मैं बता रहा था अलोला इवेंट करके यहाँ पे आया है, और इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो गेम अगर आप पहले भी खेल चुके तो पता होगा कि यहाँ पे अलग अलग आइलैंड ओपन होते, जितना हाई लेवल का आइलैंड ओपन करोगे उसके अंदर उस आइलैंड के अंदर उतने अपने को रेयर पोकेमॉन मिलेंगे। पर यहाँ पे ये इवेंट है आइलैंड 3, 4 और 5 ओपन करोगे तो उसके अंदर से आपको SSR पोकेमॉन फ्री में एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। आइलैंड पे भी पोकेमॉन जाके कैप्चर कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऐसा बता रहे हैं कि आप ये कर दोगे तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए बता रहे कि इस आइलैंड के अंदर आपको इस चीज़ मिल सकता है, तो भाई अजीब हो जाएगा। पर मेरे को इसलिए लग रहा है कि रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर और नीचे, मतलब 1 और 2 आइलैंड के अंदर और आइलैंड 5 के अंदर ये श्राट्स वाले रिवॉर्ड्स है। तो मेरे हिसाब से ये जो बीच के अंदर आइलैंड 3 और 4 पे जो पोकेमॉन्स बता रहे हैं, वो सारे पोकेमॉन्स भी अपने को फ्री में मिलेंगे। गॉड पिका है इधर पे, और टापू कोको पोकेमॉन है इलेक्ट्रिक आइलैंड के अंदर, फिर यहाँ पे ओहो और मेगा चार्लिज़ार्ड है, फिर मार्श आइलैंड के अंदर मेगा वीनसोर और जायगड़े पोकेमॉन है, जायगड़े बहुत मस्त पोकेमॉन है, सारे के सारे अच्छे पोकेमॉन है। और फिर यहाँ पे ब्लास्टोइज़ वाटर टाइप में ब्लास्टोइज़ और सुइकून है। और ड्रैगेनियम आइलैंड के अंदर अपने को मेरे हिसाब से मेगा गार्चोम मिलने वाला है, ड्रैगेनियम आइलैंड का मेगा गार्चोम और रायकुजा का ड्रैगेनियम आइलैंड में, ओके हाँ मेगा गार्चोम और रायकुजा ड्रैगेनियम आइलैंड के अंदर मिल जाएगा। तो आपको नॉर्मली आइलैंड ओपन करना है, आप आइलैंड के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको बता देता है कि आपको वहाँ पे एक मिस्ट्री खड़ी रहेगी, उससे बैटल करना है। रिक्वायरमेंट CP होती है, वो रिक्वायरमेंट CP होगी तभी आप मिस्ट्री से बैटल कर सकते हो। मिस्ट्री को बैटल करो, मिस्ट्री को बैटल से डिफीट करो, और यहाँ पे आपका ये आइलैंड अनलॉक हो जाएगा और आपको ये सारे पोकेमॉन वाले रिवॉर्ड मिल जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये इवेंट्स टाइम लिमिटेड वाला इवेंट है, यहाँ पे जो फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका बता रहा था कि 11 दिन पेंडिंग है, तो आपको 11 दिन के अंदर ही सारे आइलैंड को ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो ये इवेंट हट जाएगा और आपको ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो भी आपके ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पोकेबॉल वेस्ट होंगे इन पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि सारे पोकेमॉन उस आइलैंड पर अवेलेबल होते ही हैं। अब एक इवेंट जो पहले से बेकार कर दिए, बीच रिटर्न्स। तो बीच रिटर्न्स अपना इवेंट था कि अपने को बीच इवेंट्स में 500 रेनबो डायमंड दो, बीच रिटर्न्स के अंदर जो भी SSR चाहिए सिलेक्ट करके समन करो। पर यहाँ पे इस बार लोग ने बीच रिटर्न्स को लोग ने एक पेड इवेंट टाइप का बता दिया, उधर पर सुइकून और उसका मैंने दिखाया था कायगरे का, उधर पर लोग अपने से कुछ $4 के आसपास कुछ मेरे सबसे पैसा मांग रहे, कुछ भी मांग रहे भाई, क्यों मांग रहे, तो लोग भाई वो इस इवेंट के अंदर पैसा मांग रहे। होपफुली टाइम इवेंट का जो इवेंट आएगा थोड़े दिनों में तो वो इससे बेहतर और नॉर्मल वाला हो, जिसमें आप नॉर्मल 500 डायमंड से भी एक टिकट परचेस करके आइलैंड पर आके पोकेमॉन कैप्चर कर सकते थे। पर उसका अभी तक मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या सिस्टम होगा उसका। यहाँ पे लक्की स्पिन वाली की यहाँ पे टिकट भी देख सकते हो, लक्की स्पिन वाली टिकट के इधर पे टाइम ड्रॉप मिल रहा है, पर वो टाइम ड्रॉप अपनी स्पिन की टिकट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी टिकट अलग थी, उसकी टिकट डिज़ाइन दिखने में अलग है। तो भाई ये लक्की स्पिन वाले भी इवेंट के भी अच्छे खासे अपने वांदे लगने वाले हैं। फिलहाल कुछ नहीं, मैं यहाँ पे मेरे टास्क कम्प्लीट कर लेता हूँ।
लेता हूँ, टास्क कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, उनके रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरा लेवल अच्छा खासा हाई होगा। मेरा लेवल अभी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। मैं ये गेम को मेरे हिसाब से एक बार जब न्यू आईडी लॉगिन करता था सर्वर तब बनाया, दूसरा एकदम बिगिनिंग उसका बताया था ट्यूटोरियल तब बनाया, तीसरा तो मेरे हिसाब से ये चौथी टाइम होगा जब मैं ये गेम को ओपन कर रहा हूँ। तो लेवल मेरा काफ़ी कम है और काफ़ी पीछे हूँ मैं तुम लोग से। तो होपफुली मैं ये गेम को अच्छे से खेलूँ, पर वही भाई मेरे को पता है कभी ना कभी ये गेम हटने वाला है, तो इतना ज़्यादा अच्छे से मन नहीं करता है इस गेम को वापस से खेलने का। पर मैं ट्राई करूँगा, तुम लोग बोलोगे तुम लोग को इस गेम का वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा और इस गेम के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का तुम लोग के लिए ट्राई करूँगा। तो तुम लोग कमेंट में बताना किस गेम के वीडियो आप लोग को ज़्यादा चाहिए, पोकेमॉन की वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए या मेगा मॉन का वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए। मैं काम करूँगा, मैं मेरे कम्युनिटी टैब कमेंट में भी बता देना और कम्युनिटी टैब में मैं पोल भी डाल दूँगा, तो आप पोल पर भी वोट कर सकते हो कि आपको कौन से गेम का वीडियो ज़्यादा चाहिए। तो आप वहाँ पर जो पोल में ज़्यादा वोट आएगा उस गेम का वीडियो मैं ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास कोई और गेम है रिकमेंडेड करने के लिए जिसको मैं खेल सकता हूँ, तो मेरे को वो भी कमेंट बता देना, मैं उन लोग को चेक करूँगा और ट्राई करने का, और ट्राई भी करूँगा, चेक भी करूँगा, ट्राई भी करूँगा। तो अगर कोई और गेम है पोकेमॉन रिलेटेड या अन पोकेमॉन रिलेटेड, तो मेरे को वो भी तुम लोग बता देना। बहुत लोग मेरे को बोल रहे भाई पोकेमॉन यूनाइट खेलो, यूनाइट भी खेलता हूँ, यूनाइट के वीडियो भी डालता हूँ, पर उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। यूनाइट मेरे हिसाब से गेम चलेगा लाइव, अगर मैं लाइव गेम नहीं किया तो, जिसका मेरे को ज़्यादा जल्दी मौका नहीं मिल पाता है, तो मेरे को अभी भी लाइव का मौका मिला तो डेफिनेटली अपन वहाँ पे पोकेमॉन यूनाइट भी खेलेंगे। पर यूनाइट के वीडियो भी थोड़े थोड़े दिन में एक एक वीडियो मैं उसकी भी डालते रहता हूँ। और भी पोकेमॉन के गेम है, एक है नेक्सोमॉन है जिसको मैं खेलता था, बीच में खेलते खेलते छोड़ दिया था, और एक और ऐसी बहुत सारे पोकेमॉन के गेम है मेरे फ़ोन में जिनकी मैं वीडियोस बना रहा था, पर वीडियो बनाते बनाते छोड़ दिया है। मैं सोच रहा हूँ उनकी भी एक दो वीडियो डाल के देखूँ कि उन पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है तुम लोग का, फिर अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उन चीज़ों को भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो होपफुली इसी वीक के अंदर मैं कुछ पोकेमॉन के जो दो तीन पोकेमॉन के गेम थे जो मैं पहले खेलता था उनके वीडियो डालने का ट्राई करूँगा। अगर आपको गेम पसंद आए तो मेरे को बता देना कमेंट के अंदर। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बेसिकली अपना टास्क पूरा कर रहे हैं इस गेम के अंदर के जितने भी नॉर्मल टास्क है, टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपना लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, और लेवल अपग्रेड क्यों कर रहे हैं अपन आइलैंड पे जाने के लिए, जो मैंने तुम लोग आइलैंड वाला इवेंट बताया था उसके लिए रिक्वायरमेंट सीपी होती है, और यही बेस्ट तरीका है कि अपना ये बढ़ा ताकि पोकेमॉन का लेवल भी इतना हाई कर पाओ और सीपी इंक्रीज कर पाओ। तो इसलिए मैं मेरे स्टैमिना यहाँ पे नॉर्मली ख़त्म कर रहा हूँ मेरी सीपी इंक्रीज करके, ताकि और यहाँ पे मैंने बैटल किया पर मेरे हिसाब से मेरे को जीतना पड़ेगा तो ये टास्क कंप्लीट होगा ये वाला, तो वो टास्क अपन कंप्लीट नहीं कर पाए, लास्ट टास्क जिसके अंदर विक्ट्री के अंदर जाके बैटल करना था। तो सिंपली बच्चों को जो भी रिवॉर्ड्स मिले थे मेरे को, मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरा मेरे इंडिगो लोग इंडिगो लीग भी ओपन हो गया होगा, तो चलो इंडिगो लीग भी चेक करते हैं, जिम का तो वो मैंने कर लिए और सिंपली दो बैटल करना था। इंडिगो लीग ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे इंडिगो लीग देख लेते क्या हाल इधर पे। ओके फिलहाल मेरा वो टाइम अप हो चुका है, तो मेरे को यहाँ पे पोकेमॉन सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले लाइनअप में। लाइनअप में फिलहाल रैंडम रख लेता हूँ क्योंकि इन पोकेमॉन को मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं पोकेमॉन SSR ही यूज़ करूँगा, पर मेरे पास फिलहाल मेरे को लगता है कि SSR है अभी, तो यहाँ पे मैं रैंडम पोकेमॉन सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए कि कुछ ना कुछ इधर से रिवॉर्ड मिलते रहे, पर जब मेरे पास अच्छे पोकेमॉन आएंगे तो अपने अपने इंडिगो लीग की लाइनअप को वापस से चेंज कर देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो 1-1 लेवल के सारे पोकेमॉन है, तो इनको रख के मैं मेरी लाइनअप को सेव कर देता हूँ। तो इसलिए इतने दोस्तों, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।